फालूदा खाएगा फालूदा पहाड़ों में देगा भाई ये ओए इन पहाड़ों के पीछे हमारा घर है। हाँ हम इन्हीं के बीच में रहते हैं याद हो तो तुझे। हाँ जो जब हम अपनी छत पे जाते हैं ना हम तीन तरफ से पहाड़ से घिरे हुए हैं एक तरफ बस। हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चप्पल और यूट्यूब चैनल के बाद चप्पल क्या बोलता है जो है डांट जोक मारता है। ये देखो ये आदमी सुबह से नहाया धोया कुछ नहीं है और आदर्श एच नायर जैसा आदमी देखो फिल्टर की वजह से दिख रहा है ऐसा आदर्श एच नायर जैसा आदमी नहा धो के मंदिर जा रहा है। और ये देखो नास्तिक आदमी भाई मैं तो मंदिर जाता ही हूँ मैं तो मंदिर जाता ही हूँ क्यों भाई ओए फिल्टर साइज यूट्यूब वीडियो बना रहा है तब भी इसके ओए नहीं ऐसा कुछ नहीं है यूट्यूब वीडियो बना करके बन रही है। अबे मैंने देखा तूने ऐसे अचानक से बोला तो मैंने ऐसे झांक के देखा भाई ये देख रहा मेरा फैशन वो दिखा दूं नहीं हर जगह सही नहीं है भाई ऑडियंस यूट्यूब वो कर देगा ये क्या दिखा रहे हैं। चलो भाई चलते हैं। तो ये देखो हमारी दोनों मैचिंग की चप्पल है ट्यूनिंग करके हम जा रहे हैं मंदिर। ये नहीं जा रहा इसको नहीं आशीर्वाद मिलेगा और प्रसाद खाएगा जाने का मैंने जा नहीं पा रहा आएगा तो आएगा। अरे यार चलो कोई बात नहीं हम बाइक से चलते हैं बिना हेलमेट के चल लेंगे यार मंदिर बगल में देखिए ये रहा चाबी क्यों फिर वो भी आएगा मतलब फिर वो भी चलेगा भाई क्या बोल रहा तू यार चला जाए वो भाई ये देखो अभी प्लानिंग करना जाने की कि मंदिर कैसे जाया जाए क्या हो और ये गीला कैसे हो रहा है। अच्छा ये हमारी दीदी गीला कर गई है ये खड़ी अपनी बाइक अब इससे चलते हैं आज मंदिर सैटरडे का मंदिर। और देखो मैं पे तुम्हें दिखाता हूँ अबे आज बाइक का नंबर आ गया है लेकिन नंबर जब नंबर प्लेट आ जाएगी तब दिखाऊंगा मैं क्या आया है। 452 किलोमीटर हमने ये चला लिया है भाई 452 किलोमीटर भाई 452 किलोमीटर पूरे हो गए गाड़ी के चार पाँच दिन हुए बस चलाते हुए अभी तक और कहीं नहीं जा रहे हम दूर बच्चों जी में घूम रहे हैं ऊधम काट रहे हैं और कुछ भी नहीं है। चलो अब मंदिर के बाद हम क्या करते हैं मैं तुम्हें बताऊंगा मंदिर को हमें जाने में फिर। तो भाई ये दोनों लिट्टी चोखे की दुकान पे स्पॉट हुए हैं ये अगर तूने अपना फ़ोन नहीं रखा तो मैं तेरे फ़ोन को रिकॉर्डिंग में ले लूँगा और मैं सबको दिखा दूँगा फिर तुझे दिक्कत हो जाएगी। क्या हो गया कोई परेशानी है क्या भाई। और ये भी भाई लिट्टी चोखे की दुकान यहाँ पे हम आए हैं और पता नहीं लिट्टी चोखा कितनी देर में हमारे सामने आएगा। श्री गणेश मंदिर ये वाले मंदिर आया तू कभी पहले पीछे आ जो तेरे अबे हेलमेट वहाँ रख दे हैं होता तो कुछ नहीं है मुझे पता है भाई। ये आदमी मंदिर गया था मंदिर के आने के बाद अभी तक खुश ही नहीं हो पा रहा कह रहा मुझे मंदिर ले गया तो जबरदस्ती में खुश कैसे हो जाऊँ। और इन भैया से हमने बोला है दो प्लेटों का पता नहीं कितनी देर में लेके आएंगे ये भाई लिट्टी चोखे वाला इंसान हमने ज़िंदगी में कभी खुश नहीं देखा। अच्छी खासी जगह पे हैं लोग भी आ रखे हैं फिर भी दुखी है अलग ही परेशान है। अबे इसको घर से निकाल दिया दिखे भाई जब से इसने दुकान लगाई अब से दुखी है ये खुश नहीं है। इसके पापा ने कही है जाओ काम करो मेहनत करो कमाई करो जवाना तो अब ये ज़्यादा कमा चुका है अभी तो और ज़्यादा परेशान हो चुका है। ये देखो भाई मेरा हेलमेट ओ हाँ इसको तो हमने कवर किया ही नहीं अभी तक ये हेलमेट आई जो मैंने नया लिया है दिन के उजाले में मैं और अच्छे से दिखा दूंगा मुझे लगा था तुम बाइक के साथ देख ही लोगे इसे। तू कुछ कहना चाहेगी भाई लिट्टी चोखा खाने सब आए हैं बोलना कोई कुछ नहीं चाह रहा मैं अकेला ही बोलता रहूँ अच्छा लग रहा है। हाँ भाई नहीं हो सौभाग्य है इसका इसलिए खुश हुई है तू। तू क्या कर रहा है भाई अब मुझे पता करना पड़ेगा हाथों क्या हुआ भाई डाउन टू अर्थ ओ हमारे दो प्लेट लिट्टी चोखे आ गए ये देखो यार ये देखो खाना और टेस्ट बता कैसा है मिर्च के साथ खाई हो लेना एक अबे एक एक ले लेंगे इसमें से एक ये वाला एक ये मेरा क्यों जिंदगी में पहली बार आदर्श एच नायर ने खाने के लिए मना किया है मैं घबरा चुका हूँ इस चीज़ को सुन के क्या मुझे नहीं खाना चाहिए आज खाने में जहर है भाई आज खाने में जहर है कोई और दिक्कत है। चलो भाई खा वा के घर चलते हैं फिर और ये देखो लाइट जलने के बाद हेलमेट क्या नींबू थोड़ा बहुत डाला होगा ना उन्होंने ऐसे मिला लेना ऊपर का नींबू खा गई होगी तो एक काम गलती से पसंद नहीं है तो मिला ले नींबू का असर कम हो जाएगा सब्जी और डलवा ले प्याज और डलवा ले। ये देखो भाई गणेश जी हमने तो फ्रेंड्स आज का दिन इतना बोरियत भरा था कि मैं और आदर्श अब बाहर जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए ज़्यादा दूर नहीं थोड़ी दूर ही जा रहे हैं। मैं तो भूल गया था मेरे पास ब्रेक नहीं है तो मैं गाड़ी नीचे उतार रहा था और मेरे एक हाथ मैंने एक हाथ अपना बिजी कर रखा तो भाई पहिया गिर गया यार
है ना। ये देखो भाई गाड़ी के पहिए यहाँ पे घिस दिए मैंने, ये गड़बड़ मैंने पता नहीं कैसे कर दी, रिकॉर्डिंग करते करते मैंने ध्यान नहीं दिया, पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, थोड़े बहुत तो पहिए घिस जाते हैं भाई। ज़्यादा घिस गए क्या, काला रंग छोड़ गए हैं बस, है ना भाई। बता हम कहाँ जा रहे हैं, बता वहाँ पे चलेगा अब तेरी वाली जगह पे लेके चलेगा या फिर मेरी वाली जगह पे, ऊपर वाली जो है भाई, ऊपर वाली चलेंगे फिर तो, वो ज़्यादा ऊपर है। तो ये तो भाई गाड़ी करी हमने स्टार्ट, अब तुम्हें उस जगह पर पहुँच के बताते हैं हम कौन सी जगह पर जा रहे हैं। वैसे तुमने ना वो जगह देखी है, वो जगह पहले वीडियो में है। देख भाई रेस देने की ज़रूरत तो नहीं पड़ती बाइक चलाने के लिए, ठीक है। जब मैं तुझे सिखाऊंगा तो इस चीज़ का ध्यान रखियो, पेपर ख़त्म होने के बाद सिखाऊंगा। ये देख रेस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये तो अपने आप चल जाती है गाड़ी। कौन सी ऐसी होती है ये वाली, गियर वाली भाई, गियर नहीं ऑटोमेटिक। हाँ ऑटोमेटिक चल ठीक है भाई, अगर हम ऑटोमेटिक में रेस नहीं देंगे तो हम गिर जाएंगे। ये देखो 5 की स्पीड पर गाड़ी अपने आप चल रही है। चलो हम तो मैं घर पर पहुँच के दिखाते हैं। तो भाई आदर्श मुझे एक और व्यू दिखाने लेके आ गया है यहाँ का, भोपाल का ऊंचा वाला एक व्यू क्या इस बिल्डिंग से दिखता है जो, और जो हमने पहले तो मैं जो ऊंचाई वाला व्यू दिखाया था उसके होने वाला सीपी है, ये भोपाल का होने वाला सीपी है जो दिल्ली में सीपी है वो वाला सीपी, और 10-5 साल में बन सकता है। और ये वो वाला व्यू है जो हमने तुम्हें अपर लेक से दिखाया था, ये थोड़ी सेफ जगह से है बस भाई, जगह उससे सेफ उससे भाई ये 20,000 गुना ज़्यादा सेफ है। अगर तुम वहाँ पे जा रहे हो तो वो इतनी सेफ नहीं है। मैं डर गया भाई इसको देख के कि किसका सिर है भाई, सेफ है ऐसा डरने की बात नहीं है, लेकिन वहाँ का व्यू थोड़ा अलग ही है यार, वहाँ पानी है ना बीच में इसलिए लोग थोड़े ललचा जाते हैं। और ये देखो यहाँ से भी शहर कुछ इसी प्रकार का दिखता है। अबे यार ये दिवाली पे कितना सुंदर दिख रहा होगा, पटाखे भी होंगे यार, हमने गलत करा भाई, घर नहीं जाना चाहिए था, भोपाल में रुकना था। मैं तो कह ही रहा था सबसे दिवाली पे रुको, आखिरी दिवाली है। हाँ तू रुका ही नहीं भाई एंड में, भाई मैंने तो तुझसे कही थी तू रुकेगा, मैं रुक जाऊँगा। ये हेलमेट रख दिया, देखो अब मैं तुम्हें एक चीज़ दिखा। अबे ये बिल्डिंग कौन सी है, ये वाली बिल्डिंग। अबे तेरे को तो बिना कैमरे के दिख रही है, ये देख जो चमक रही है सबसे ज़्यादा वो देख, कौन सी बिल्डिंग है वो, कोई होटल होगा भाई वो, रेडिसन ताज आवाज हॉस्पिटल बंसल हॉस्पिटल। और यहाँ से हम वो करते हैं ना, आइडेंटिफाई करते हैं ना कौन कौन सी जगह हम देख सकते हैं, कौन कौन सी जगह हमने देख रखी है, कोई तो पहचाने। अबे ऐसे देख के कुछ नहीं पहचान में आएगा, जैसे अपनी छत पे चढ़ के हमें बंसल वन दिख जाता है, हम समझ जाते हैं वो रानी कमलापति है। ये देखो भाई फ्यूचर का सीपी, भाई सीपी कनॉट प्लेस से कह रहा है ना तू, कि वो पार्क से कह रहा है, वो पार्क ही कनॉट प्लेस है ना, कि उसके आसपास का एरिया कनॉट प्लेस का इलाका। तो ये क्या है फिर, ये पार्क है या आसपास का एरिया है। तो इसके अंदर ये मॉल है कोई, दुकानें खुल जाए तो बंदा अपना बिल्डिंग बना ली भाई कॉलोनी के अंदर, ये भी रोगी तो होगा। देखो कितना बड़ा ताला लगा के रखा है इन लोगों ने भाई, ये देखो गंदे काम कितना बड़ा ताला। ओ हो आदर्श ये तो वास्तव में इतना बड़ा ताला है, मैं अभी तो खोल सकता हूँ। हाँ एक मिनट नहीं लगेगा, अबे चोरी की क्या बात है, घूमने ऊपर जाने के लिए। और ताला भी तो देखो कौन से गेट में भाई, कांच के गेट में ताला, ये देखो बढ़िया एकदम शानदार, कोई अंदर घुस ही ना पाए। एक कैमरा नहीं है पूरी बिल्डिंग में, कितने ज़्यादा उससे रह रहे हैं। मेरा हेलमेट मत गिरा दियो तो उस तरफ, ये देखो भाई हेलमेट रखा हुआ था, यहाँ से गिरता यहाँ गिर जाता, स्क्रैच तो लग ही जाता कुछ हो ना हो। चलें भाई फिर चलें, फालूदा खाएगा फालूदा भाई ये, ओए इन पहाड़ों के पीछे हमारा घर है। हाँ हम इन्हीं के बीच में रहते हैं, याद हो तो तुझे। हाँ जो जब हम अपनी छत पे जाते हैं तो हम तीन तरफ से पहाड़ से गिरे हुए हैं, एक तरफ बस हमारी घर दिखता, वहाँ से ये नहीं दिखता, ये नहीं दिखता इसीलिए। हाँ पहाड़ है बीच में, यहाँ से घर ढूंढना दिन में एक बार कोशिश कर लूँगा भाई किसी दिन आके। अभी हम यहाँ पे कल भी आएंगे दिवाली मनाने, शायद वर्ल्ड कप क्या बताऊँ, वर्ल्ड कप क्या मैं तो क्या बोलूँगा भाई, हम ये प्रेडिक्शन करके चल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहा हूँ छोड़ो, मैं वर्ल्ड कप के बारे में कुछ नहीं कहना चाह रहा भाई, कुछ मैं कुछ कहने नहीं जा रहा, काम में कुछ भी हो भाई सब होगा अच्छा होगा भाई। और ये रहा तुम्हारा शहर भोपाल। अबे मैं बताता हूँ, इस जगह से जो हमें चीज़ें दिख रही है ना वो नीचे लेवल पे दिख रही है और पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं, इसलिए हमें लाइटें कम दिख रही हैं। और जो अपर लेक वाली जगह है वहाँ से बिल्डिंग है उस जगह पे सारी, तो इसकी वजह से हमें ऊंची चीज़ें दिखती है, ये घर है सिर्फ, इसकी वजह से ये आगे वाले पोर्शन में अंधेरा दिख रहा था, यहाँ पे घर है ये जो है दूर दूर का दिख रहा है ना। हाँ बहुत दिखता नहीं दिल्ली में तो,
भाई दिल्ली में होते तो कुछ नहीं दिख रहा होता, दिल्ली में तो मैं ये चाबी ऐसा ना देख पाऊँ। कैप्टन अमेरिका देखो, कोरोना की वजह से कैप्टन अमेरिका ने मास्क लगा लिया है पूरी बॉडी पे, आँख नाक और मुंह को छोड़ के, इतना बढ़िया इंसान है ये। चलें फिर यहाँ से, क्या रुकना है? लेकिन हम वहाँ पे जाते हैं, ज़्यादा देर रुक सकते हैं उस जगह पे, वहाँ बैठ नहीं, बैठ नहीं आते अभी वहाँ पे, वो खुला भी है एक तो, हवा भी लगती है, मज़ा भी आता है, ज़िंदगी जीते हैं अम्मी वहाँ करके अपनी। और यहाँ पे मीटर लग रहे हैं इनकी, मैं तो कह रहा हूँ एमसी भाई छोड़ कुछ नहीं, मैं तुम्हें थोड़ी सी ना ये वाली बिल्डिंग दिखा दूँगा, क्या पता ये सच में सीपी बन जाए तो हम अपनी ये वाली वीडियो खोल के बोले गए थे, हम बोल के गए थे ये देखो सीपी नहीं तो फरीदाबाद का वो तो बन जाएगा क्या, वर्ल्ड स्ट्रीट ठीक है, वर्ल्ड स्ट्रीट। अबे अंकित बलिहान बाला, अंकित बाला भाई ये देखो दुकानें भी हैं यहाँ पे, सब कुछ है, अब देखते हैं वर्ल्ड स्ट्रीट बन जाएगा भाई। इसका नाम क्या है? द एम्पोरियो, फरीदाबाद गया था मालिक उसे पसंद आ गई, कंस्ट्रक्ट करवा दी, छोटा बनवाया, मेक माई घर कॉम डॉट कॉम सॉरी भाई। देखो यहाँ पे ये इन्होंने बिल्डिंग बनाई है, ये तुरंत और भी बनाते हैं, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो इनसे, हमारे घर नहीं बनाई होगी क्या, इन्होंने खरीदा है बस ये जगह रहने के लिए, भाई हम भी कुछ खरीद लें इसमें, कुछ स्टार्टअप को डाल सकते हैं, लोग तो आ रहे हैं अभी, लोग नहीं आए। ओए हाँ भाई ये स्कोप है बहुत तगड़ा, यहाँ पे लोग आ जाए क्योंकि कोई नीचे नहीं जाएगा, इतने सब ऊपर ही ऊपर खाना चाहेंगे, ऐसे ऐसे लोग तो बिल्कुल ना जाए, नहीं खा लें, यहाँ एचपीटी खुल जाए भाई, ये कॉलोनी वालों के लिए सेपरेट जगह हो जाएगी, फिर वो मान लेंगे ये मार्केट है, थोड़ी भीड़ तो आया भाई, खाली है पूरा, खाली है भाई, इस पहाड़ नहीं है भाई, इस जगह पे घर लेने का मन है भाई अब तो मेरा, घर अबे घर लो मतलब, हाँ भोपाल में सब कहते हैं जगह बहुत सस्ती है, यहाँ पे आके देखो भाई तब तुम्हें पता चलेगा। और दूसरी बात ये है कि देखते हैं अबे इस जगह पे अगर मौका पड़ा तो मैं दुकान खोल लूँगा भाई किसी चीज़ की, अगर हम यहाँ पे हाँ अगर हम यहाँ पे खाने पीने की जगह खोले ना, दुकान खोले तो बहुत फ़ायदा है इन फ्यूचर, देख रहे हैं हम कितना तगड़ा प्रेडिक्शन करते हैं। चलो बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, कल मिलेंगे। ये वाली जगह मैंने तुम्हें दिखा दी, फोटो भी खींच लेता हूँ, कंसल्टेंट बन जाते हैं कि यहाँ पे जगह डालो और जो तुम्हारा लाइफ टाइम का प्रॉफिट होगा उसमें से पार्ट देते रहता हूँ लाइफ टाइम में, जिंदगी भर तक 5% भाई जिंदगी भर तक 5% दे रहा पागल है, चल ठीक है 2% जिंदगी भर दे रहा है ठीक है भाई, ये हमारा ऑफर है, हम तुम्हें जगह सजेस्ट करेंगे बाद में, फिर हम पैसे देंगे हाँ हाँ सही, अभी नहीं फ्री में ले लिया उसने, हमारा आइडिया चुरा लिया, वो बन गया और आ गया यहाँ पे, ये घर भी तगड़ा है भाई, बस लाइट कम लगाई है इन लोगों ने भाई, बिजली बचा रहे थे, ये बिजली का बिल कम आए ये चाह रहे थे। चलो ठीक है भाई बाय बाय, ये देखो बाइक की लाइट चमक रही है, आगे स्टार्ट करते हैं।